यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खाद व जैविक कीटनाशक का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। किसानों का ये समूह है, ये खाली पार पट्टी कृषक समूह। तो आज कृषक समूह के सदस्यों को ये उद्यान विभाग और परंपरा कृषि विकास योजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा यहाँ कृषकों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का। तो मेरे सामने उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी सामने हैं, हम इनसे वार्ता करते हैं। तो क्या सुन रहा हूँ आपका? मैं शंकरलाल कोहली, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर। ये तो आज ये जो कार्यक्रम है, ये परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो प्रशिक्षण शिविर है, तो इसमें आज आपने किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण दिया? इसमें हमने आज तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण किसानों को दिया है। 3 साल पूरे हो गए जो ये हमने समूह बनाया था किसानों का जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसमें हमने आज ये ड्रम जो आप देख रहे हैं 50 लीटर का ड्रम है, इसमें हम अपना जैविक दवाई बनाते हैं। इसमें 100 ग्राम हरी मिर्च, 5 किलो नीम की पत्ती, 5 किलो भांग की पत्ती, धतूरा 2 फल, लहसुन 100 ग्राम और आग 200 ग्राम, 35 लीटर पानी इसमें भरते हैं। 35 लीटर पानी में हम ये पत्तियां डाल देते हैं। ये 7 दिन तक इसको हम रखते हैं, बीच बीच में एक डंडे से इसको चलाते रहेंगे। 7 दिन में हमारा जो है 50 लीटर दवा ये हमको प्राप्त हो जाए। तो एक ढाई एकड़ में हमारा 50 लीटर, एक लीटर दवाई 10 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देंगे तो हमारा कीट नियंत्रण होगा। अच्छा, तो ये जैविक घोल है जो तैयार, जिसका आपने प्रशिक्षण दिया, तो इसका फसलों पर स्प्रे किया जाएगा? हाँ, स्प्रे कीटनाशक के रूप में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल किसान के लिए फ्री हो जाएगा। जो हम 1000 रुपये की दवाई पर एकड़ खर्च कर रहे हैं, वो ये आपने पेस्टिसाइड के उस विकल्प के रूप में यूज करने के लिए तैयार कराया होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया जैविक कीटनाशक। तो आपने आज जैविक खाद की भी यहाँ ट्रेनिंग दी है? हाँ, जैविक खाद की भी हमने ट्रेनिंग दी है। जैविक खाद मतलब बनाने का हमने किसानों को उनके घरों में जाके प्रशिक्षण दिया है। और नीम की खाद हम किसानों को निःशुल्क दे रहे हैं, जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाए। अच्छा, तो ये जो जैविक खाद है, तो इसके क्या क्या लाभ हैं, अवगत कराएंगे? हाँ, देखिए, आज जो भी सब्जी हम खा रहे हैं, जो भी अनाज हम खा रहे हैं, उसमें बहुत मात्रा में कीटनाशक है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। हम किसानों को यही प्रोत्साहित करते हैं कि हम जैविक उत्पादन करें और जैविक सब्जी, जैविक अनाज हम खाएं और दूसरों को खिलाएं, पूरे देश को खिलाएं, ये हमारा लक्ष्य। तो देखिए, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक श्री कोहली जी ने ये जैविक कीटनाशक और जैविक खाद के बारे में जो कृषकों को प्रशिक्षण दिया है, उसके बारे में विस्तार से बताया। और अब मेरे सामने हैं कृषक सलाहकार समिति के ब्लॉक अध्यक्ष मुख्तियार सिंह जी। तो मुख्तियार सिंह जी से वार्ता करेंगे कि उन्होंने ये मिशन अपना किस रूप में चला रखा है। तो मुख्तियार जी, बताइए, जो आपका जो कृषक समूह है, तो ये आपने किस उद्देश्य से बनाया है और कहाँ तक आप इसमें सक्सेस हुए हैं? इसमें हमारे क्लस्टर में 20 लोग हैं, जिसमें 50 एकड़ का रकबा है।
ग्राम खालीपाड़ में बना हुआ है। विभाग का ध्यान विभाग का समय समय पर हमें सहयोग मिलता है, जिससे किसान पेस्टिसाइड को छोड़ के जैविक पर आए। 3 साल का समय हो चुका है आज। खाद की मात्रा जो पेस्टिसाइड किसान पहले बहुत मात्रा में डालते थे, उसकी मात्रा सीमित हो गई है। तो यही है कि जो चीज़ें इन्होंने अभी बताई हैं, नीम के पत्ते जो और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, वो किसानों के खेतों में उपलब्ध हैं। यदि हम मार्केट से उसे लेने जाएंगे तो हमारी जेब से बहुत खर्च होगा, ठीक है, और उसका हमारे सेहत के ऊपर भी नुकसान है। यदि वही चीज़ें हम अपने खेतों में से लेके वो बना लेते हैं, उसका घोल मिश्रण बना लेते हैं, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि किसान पेस्टिसाइड को छोड़ के जैविक पर आए, जिससे किसान खुद भी खुशहाल होगा और उसकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। अच्छा, तो आप लोगों ने जो है जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का यहाँ एक खेती में इसका प्रयोग करके देखा है इसमें? हाँ, पीछे हमें अभी विभाग के द्वारा जैविक खाद मिला था नीम का, तो उसका हमने जो किया है काफ़ी लाभ मिला है हमें उसका। जैसे हमने घरों में अपने सब्जी वगैरह लगाई हुई है, उस पर भी किया है, डाला है उनमें, तो उसमें भी हमें लाभ मिला है, उसका लाभ मिला अच्छा, तो इससे कि ये जो आपका जैविक कीटनाशक है और जैविक खाद है, तो इसके प्रयोग से जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए भी उसको लाभ जो है बताएंगे? हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो सबसे बेहतर ही है। अब देखो, हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, उसमें मात्रा इतनी, पहले तो जब कंपनी उसे बनाती है तो उसमें वो बता देती है, अभी उस पर लिखा होता है आपने इतना डालना है, लेकिन आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है वो भी उसे बढ़ा के देता है, भी इसका लाभ ज़्यादा मिले। जब खेत में जाके किसान उपयोग करता है तो उसकी मात्रा वो बढ़ जाती है, तो इसलिए वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा भी बढ़ गई खेत में तो कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जैविक से जुड़ने की? जैविक देखो, आज से हमारे बुजुर्ग जो पहले थे वो भी एक हिसाब से जैविक ही करते थे, उनकी आयु देखो कितना लंबे समय तक वो जीवित रहते थे। आज 40 साल की 50 साल की उम्र में व्यक्ति को बीपी, शुगर, हटम शटम, दुनिया भर की बीमारियां हैं। ये कहां से आ रही है? ये पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग होने की वजह से। तो इसलिए तो आपका मानना ये है कि पेस्टिसाइड अगर हम त्याग दें और जैविक को यूज करें तो उससे ज़्यादा ना करें, अपने खाने के लिए करें, अपने पड़ोसी के लिए करें खाने के लिए, ठीक है। यदि आपको लाभ मिलता है तो आप उससे आगे फिर बढ़ाएँ। तो मतलब हम अगर हम जैविक का यूज़ करें तो स्वस्थ रहेंगे और लंबा आयु आदमी की होगी। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था कृषक सलाहकार समिति के ब्लॉक अध्यक्ष मुख्तियार सिंह जी से, जसपुर ब्लॉक के कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं और उद्यान व्यवसायी हैं और जैविक में इनकी काफ़ी रुचि है और ये जैविक का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने ये खाली पार पट्टी जो इनका पैतृक गांव है वहीं इन्होंने कृषक समूह बना रखा है और आज उसी कृषक समूह के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। उनको आज उद्यान विभाग के अधिकारियों और परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़े लोगों द्वारा यहाँ किसानों को जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रशिक्षण दिया गया है और ये जैविक खाद और पेस्टिसाइड के फसलों पर प्रयोग से लाभ की जानकारी दी गई है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान, धन्यवाद।